चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के टेक न्यूज के इस एपिसोड में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव खबरें लेकर आया हूँ जो कि आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आज का वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, पास में रखे बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। दोस्तों, को गूगल का सपोर्ट तो बहुत ही पसंद आता होगा। आप कहीं भी अननोन जगह पे चले जाएं और अगर आपको रास्ता ना पता हो तो आप गूगल मैप ऑन करके आप आसानी से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। अगर सोचिए कि आपको किसी फोन में गूगल का सपोर्ट ही ना मिले तो फिर कैसा होगा? सुनने में थोड़ा ऑड है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही ट्रूफोन वन जो कि गूगल पिक्सल 4a का एक अपग्रेड वर्जन है और जो कि दावा करता है कि इसमें आपको सभी तरह की फैसिलिटी मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको गूगल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आप ऐसा फ़ोन यूज़ करना चाहेंगे जिसमें आपको गूगल का सपोर्ट ही ना मिले? अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, नाइट्रो फोन वन दावा करती है कि ये गूगल के सपोर्ट के बिना ही आपको सभी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाएगी। दोस्तों, आपने अभी तक पबजी न्यू स्टेट के लिए प्री रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके प्री रजिस्टर कर लें। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए पबजी ने एक छोटा सा अपडेट निकाला है कि अगर आप पबजी न्यू स्टेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनके तरफ से एक छोटा सा मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि आपको फुलफिल करना होगा, जैसे कि आपके फ़ोन में 4GB का रैम होना चाहिए और एंड्रॉयड 6 या उससे हायर वर्जन का एंड्रॉयड का सपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो iOS यूज़र के लिए आपका iPhone 6s या उससे हायर वेरियंट होना चाहिए, या फिर अगर जो नया लॉन्च हो रहा है वो। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास 2GB रैम या फिर 3GB रैम के फ़ोन से तो क्या आप पबजी नहीं खेल सकते? ऐसा नहीं है, इसके लिए आप BGMI खेल सकते हैं। और BGMI का मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके फ़ोन में एटलीस्ट 2GB का रैम होना चाहिए, बस अब आप आराम से उसमें BGMI खेले। दोस्तों, वन प्लस की तरफ से एक लीक निकल के आ रहा है कि वन प्लस बहुत ही जल्द वन प्लस 10 को लॉन्च करने वाला है, लेकिन दोस्तों वन प्लस 10 का जो डिज़ाइन और बिल्ड है वो टोटली सिमिलर रहने वाला वन प्लस 9 के साथ। लेकिन दोस्तों, मजे की बात ये है कि वन प्लस अपने इस सीरीज़ के फ़ोन को इस साल नहीं बल्कि अगले साल सितंबर में लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, व्हाट्सएप तो आप सभी यूज़ करते हैं, लेकिन आप में से बहुत जन होंगे जो सोचते होंगे कि काश ऐसा होता है कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर इंसान को ही अपने लास्ट सीन ऑफ करके दिखाऊं या पर्टिकुलर इंसान को ही मैं प्रोफाइल पिक्चर दिखाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप या तो एक साथ सबको दिखा सकते हो या तो एक साथ सबको बंद कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप अपने में बहुत बड़ा अपग्रेड लेके आ रहा है कि वो अब अपने हिसाब से आप जिसे चाहे उसे अपने प्रोफाइल पिक्चर या लास्ट सीन दिखा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक यूनिक अपग्रेड है जो कि व्हाट्सएप की तरफ से देखने को मिलेगा। और ये अभी जो है बीटा टेस्टिंग में, जैसे ये बीटा टेस्टिंग में कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसका अपडेट आप सभी को अपने अपने मोबाइल में मिल जाएगा, जो कि आपको अपने प्राइवेसी में बहुत ही हेल्प करने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बहुत दिन से इंतजार था कि रियलमी का पैड कब आए, तो रियलमी ने अपना पैड लॉन्च कर चुका है जो कि अपने बड़े बैटरी के साथ आ रहा है। और इसमें जो बैटरी यूज़ की गई वो 7100 mAh की बैटरी होने वाली है, और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है मीडियाटेक हेलियो G80 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और दोस्तों, ये जो है ये दो वेरिएंट में आ रहा है, एक 3GB और 4GB रैम के साथ। और दोस्तों, इसका जो प्राइस होने वाला है 3GB वेरिएंट का वो 13,999 और जो 4GB वेरिएंट है वो 14,999 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये जो 4GB का वेरिएंट है इसमें आपको वाईफाई के साथ साथ 4G का सपोर्ट भी मिलने वाला है, लेकिन 3GB वाले वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ वाईफाई कॉलिंग ही मिलने वाली है। क्या दोस्तों, आपको पता है आपके आंखों का मेगापिक्सल कितना है? शायद पता होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं, आप हमारे आंखों का जो मेगापिक्सल होता है वो 576 MP होता है। लेकिन क्या आपको विश्वास होगा कि एक मोबाइल कंपनी जो दावा करती है कि आने वाले फ्यूचर टाइम में वो अपने फ़ोन में जो कैमरा यूज़ करेगी उसमें जो मेगापिक्सल यूज़ होने वाला है वो 576 है? तो दोस्तों, आपको हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि ये जो कंपनी है उसका नाम है सैमसंग। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का कहना है कि आने वाले 2025 तक ये अपने कैमरे में 576 मेगापिक्सल के कैमरे को यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा आखिरी जो टेक न्यूज़ निकल के आ रहा है वो एप्पल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों,
एप्पल अपने आईफोन सीरीज में आईफोन 13 को लॉन्च करने वाला है और इसी के साथ आईफोन ने अपने प्रोसेसर के बारे में भी कुछ डिटेल बताए हैं। जैसे कि आईफोन 13 में जो चिपसेट यूज़ होने वाला है वो A15 बायोनिक चिपसेट यूज़ होने वाला है और उसी के साथ साथ iOS 15 भी लॉन्च होने वाला है जिसके सभी स्पेक्स या फीचर्स आपको आईफोन 13 के लॉन्च इवेंट में देखने को मिलेगा। तो लॉन्च इवेंट का वेट करें और हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों इसी के साथ हम अपना टेक न्यूज़ यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने अगले और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।